गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को, मैं रुचि कुलश्रेष्ठ आज आपको बीए फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं आधारित जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है उसके बारे में बता रही हूँ। ये है आपका प्रैक्टिकल फर्स्ट बेसिक फूड प्रिपरेशन यानी कि आधारित पाक क्रिया। इसमें आपको इस तरह से अलग अलग चीज़ें बतानी हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है इसमें कि अनाज की रेसिपी के बारे में, है ना। तो अनाज से इसमें बनी हुई जो चार रेसिपीज़ हैं ऑलरेडी इस मैनुअल में दी हुई हैं, और आपको उससे नेक्स्ट वाली जो है वो दो और नई लिखनी है। जो इसमें ऑलरेडी हैं वो नई लिखनी है। जैसे अभी यहाँ पे जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ उसमें चावल के नूडल्स बनाए गए हैं। यहाँ सामग्री और मात्रा दी गई है और विधि दी गई है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे चावल के नूडल्स ही लिखें, आप और भी अनाज से बनने वाली कोई और रेसिपी लिख सकते हैं। इसमें ऑलरेडी घूघरी बताया हुआ है ना। तो आप दलिया भी लिख सकते हैं, आलू का पराठा का रेसिपी भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है बाजरे का मसाला पराठा। इसमें सामग्री बताई हुई है, मात्रा बताई हुई है, आलू है चार, बाजरे का आटा है। और आपको बच्चों जो इसके अलावा जो भी अनाज में और कुछ भी चीज़ रेसिपी आपकी मनपसंद रेसिपी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अभ्यास 3 फलियां व दालें। तो इसमें आपको वो रेसिपीज़ लिखनी हैं जो दालों से बनी होती हैं, है ना। और जैसे दालें जो है वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। मैं फिर सभी बच्चों से बोलूँगी इन सब जितनी भी ये लिखी हुई है फलियां व दालें अनाज इनके बारे में पढ़ें। ये पूरा पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको डेली डाइट में क्या क्या खाना चाहिए। और इसके अलावा पहला व्यंजन इसमें बताया गया है दही बड़ा, पनीर का चिलड़ा, क्योंकि जो बड़ा रहता है वो किससे बनता है, दाल से ही बनता है। ज़्यादातर उड़द की दाल या उसमें थोड़ा सा आप मूंग की दाल मिक्स कर सकते हैं। पनीर चिलड़ा, चिलड़ा में जो अपना रहता है ये मूंग की दाल उसको पीस करके चीला बनाया जाता है, उसमें पनीर की स्टफिंग की हुई है, मूँग दाल ली है इन्होंने। तो उसके बाद में इन्होंने सूखी दाल बनाई है, एक व्यंजन इन्होंने बेसन के लड्डू बनाए। और यहाँ पे जो आपको व्यंजन शेयर किया गया है ये मूंग दाल का हलवा शेयर किया गया है। आपको वो जो चार रेसिपीज़ जिसमें ऑलरेडी ये दिखाई गई थी मैंने यहाँ पर, इनको तो अभ्यास में नहीं लिखना है, आपको अपनी तरफ से नई रेसिपी लिखनी है। अंकुरित मूंग बताया गया है जो आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर सूखी दाल बताई गई है, ये आपको नॉलेज के लिए बताई गई है कि आप इस तरह से बनाएं बेसन के लड्डू, इस तरह से बनाएं। और अब मूंग दाल का हलवा यहाँ पे इसने बताया है, तो इसमें आपको मूंग दाल के हलवे की जगह आप मूंग का दाल का सूप भी लिख सकते हैं, या और भी कोई चीज़ जो दालों से बनती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस पूरे वीडियो में आप इनको रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेकर के अपना कार्य कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको हेल्प के लिए दिया गया है, आप पूरा तरह से इस पर निर्भर ना रहें, अपने हिसाब से रेसिपीज को लिखें। ये इन्होंने मक्के के आटे के सेव लिखे हैं, जिसमें कि मक्का जो है वो
क्योंकि इसमें नहीं आता है दालों में, तो आप इसको और कोई दाल से बनने वाली रेसिपी के साथ बदल सकते हैं। यहाँ पर ये मक्के के आटे के सेव गलत हैं। मक्का जो है वो एक प्रकार का अनाज है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर मूंग दाल के कटलेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मूंग दाल के बड़े भी लिख सकते हैं जिसको मंगोड़े बोलते हैं, या अन्य कोई रेसिपी जो आपको आती हो दाल से बनाने वाली, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। अभ्यास 4, इसमें आपको दृढ़ फल मेवे व तेल युक्त बीज, है ना, इनसे यानी कि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तेल युक्त बीज एवं सूखे मेवे वानस्पतिक प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जैसे कि मूंगफली, नारियल, काजू, बादाम, पिस्ता, तिल, राई आदि, इनसे बनने वाली रेसिपी जो है हमें यहाँ पर बनानी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने एक तिल की चटनी आपको शेयर करी है, इसको आप आराम से पढ़ें और घर पर बनाएं भी। मूंगफली का पुलाव बनाया है, शक्करपारे बनाए हैं जिसमें कि इन्होंने मूंगफली का प्रयोग किया है, ठीक है ना। फिर तिल के लड्डू बनाए हैं। तो अब आपको अभ्यास कार्य में इन्होंने क्या करा है, नारियल की चटनी, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये है नारियल की चटनी, क्योंकि नारियल भी एक ड्राई फ्रूट में ही आता है। तो इसकी जगह पर आप और कोई ड्राई फ्रूट से बनने वाली, जैसे कि बादाम का हलवा है, काजू कतली है, इस तरह से कुछ भी और रेसिपी लिख सकते हैं। बादाम की कतली दूसरी इन्होंने रेसिपी लिखी है, बादाम का हलवा भी लिख सकते हो आप। तिल और गुड़ की चिक्की भी लिख सकते हो। तिल, गुड़, मूंगफली, इनको मिलाकर के एक बर्फी बनती है, वो भी लिख सकते हो। ये जो अभ्यास पुस्तिका है बच्चों, आपको श्री राम पुस्तक भंडार है मंगलपुरा में, वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट अभ्यास है आपका 5 नंबर एक्सरसाइज है सब्जियां। आप सभी जानते हो सब्जियों के बारे में, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कितने कितने प्रकार की होती हैं। हरे पत्ते वाली अलग हैं, जड़ और कंदमूल वाली अलग बताई है, और उन्होंने अन्य सब्जियों में अलग बताया है। तो बच्चों, इसमें जो रेसिपीज शेयर करी हैं, एक तो पालक पनीर, बेक्ड सब्जियां, ये आप घर पे बनाइएगा, दही के साथ भिंडी, कुछ अलग सी है, हम नॉर्मल घर पे भिंडी बनाते हैं, हींग और अजवाइन में बनाते हैं, या हम प्याज के साथ बनाते हैं, या हम भरवा भिंडी बनाते हैं, इसमें अलग व्यंजन बताया गया है दही के साथ भिंडी। चना मसाला, चने का व्यंजन बताया गया है, और स्टफ्ड टमाटर, भरवा टमाटर। आपको क्या करना है यहाँ पे, ये अभ्यास में जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इसमें कच्चे केले की सब्जी बताई गई है। कच्चे केले में सामग्री कितनी लेनी है, मात्रा कितनी लेनी है, ये यहाँ पे बताई गई है। अब आप इसको कच्चे केले की सब्जी की जगह बिल्कुल इसका कॉपी नहीं करके आप भरवा करेले लिख सकते हैं। दूसरा इन्होंने अरबी की सूखी सब्जी बनाई है, बताइए इसमें।
आप लोग अरबी की सूखी सब्जी के जगह पर और भी कुछ बना सकते हैं, जैसे कि मटर पनीर लिख सकते हैं, गाजर और मटर की सब्जी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी सिक्स एक्सरसाइज अभ्यास 6, दूध और दूध के उत्पाद, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सभी जानते हैं कि दूध से बनने वाली और उसके जो उत्पाद रहते हैं, जैसे कि दही है, पनीर है, छेना है, इनसे लिखने बनने वाली रेसिपीज लिखनी है। चाय, कॉफ़ी, दही, रायता, श्रीखंड, खीर, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फ़ी। मैं फिर से रिपीट करूँगी कि आप इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये जो शुरू में लिखा हुआ है दूध और दूध के उत्पाद, है ना, कि जो दूध के अंदर विशेष करके हमारे दैनिक आहार में हम इसको शामिल करते हैं तो ये हमें प्रोटीन देते हैं, दूध हमें खनिज लवण वसा और मेन कैल्शियम देता है ना। तो ये जो चीज़ है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके थ्योरी पेपर में भी बहुत आपको काम आएगी और दैनिक जीवन में काम आएगी। पहले व्यंजन, सबसे पहला व्यंजन इन्होंने फ्रूट क्रीम के बारे में बताया है। दूसरा व्यंजन इन्होंने वेजिटेबल रायता लिया है इस अभ्यास पुस्तिका में। तीसरे में इन्होंने वनीला आइसक्रीम ली है। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे गाजर की खीर बताई गई है। फिफ्थ नंबर पे केले का कस्टर्ड बताया गया है, ठीक है ना। तो ये पांच तो ऑलरेडी इसके अंदर बनी हुई हैं। आपको इन पांच के अलावा दो और रेसिपीज़ लिखनी है जो कि दूध से बनती हैं। यहाँ पे जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये है श्रीखंड, व्यंजन का नाम है श्रीखंड। श्रीखंड दूध से बनने वाली रेसिपी में है। आप और भी कुछ बना सकते हैं इसकी जगह पर, आप यहाँ पर कस्टर्ड बना सकते हैं, फ्रूट कस्टर्ड, या फिर आप दूध से बनने वाली चीज़ों में आप रसगुल्ला बना सकते हैं। सूखा पनीर जो वो भी बना सकते हैं। कोई भी खीर लिख सकते हैं, गाजर की खीर है, सेब की खीर है, लौकी का रायता है, लौकी की खीर है। दूसरी रेसिपी इसमें रसगुल्ले की शेयर की गई है। अभ्यास 7 जिसमें अंडा, एग, इसमें बताया गया है कि अंडा जो है वो प्रोटीन जो है उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जो होता है वो एग में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अंडे से बनने वाले जो व्यंजन हैं उनमें उबला हुआ अंडा, इसकी रेसिपी शेयर करी गई है इसमें, अंडे का सैंडविच, एग ऑन बर्ड्स नेस्ट, ये भी एक रेसिपी इसमें शेयर की गई है। एक इसमें ओमलेट आपको बताया गया है और फिफ्थ नंबर पे लास्ट में आपको पोस्ट एग के बारे में रेसिपी बताई गई है इसमें। यहाँ पे जो ये अभ्यास कार्य आपको करना है इसमें आपको अंडे का पराठा या एग रोल करके बताया गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही बनाएं, इसके अलावा आप अंडे से बनने वाली अन्य कोई रेसिपी जैसे अंडे की भुर्जी है वो भी लिख सकते हैं।
अंडा करी, एग करी होती है वो भी लिख सकते हैं। अंडे की भुर्जी नेक्स्ट व्यंजन में यहाँ पे इन्होंने शेयर करा है। इसमें नेक्स्ट अभ्यास है आपका अभ्यास 8, पेय पदार्थ बेवरेजेस, यानी कि वो चीज़ें। पेय पदार्थ का मतलब आज के समय में है कि जो चीज़ द्रव्य के रूप में, लिक्विड के रूप में ग्रहण की जाती है उसको पेय पदार्थ कहते हैं। ज़्यादातर गर्म मौसम में हम शिकंजी है, रूह अफ़ज़ा का शरबत है, इस तरह के पेय पदार्थ ज़्यादा लेते हैं, जो हमारे शरीर की प्यास भी बुझाते हैं और हमें स्फूर्ति देते हैं। चाय, कॉफ़ी, तीन कैटेगरीज बताई है इन्होंने बेवरेजेस पेय पदार्थों की। एक तो स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ जो थकान दूर करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोको, और पोषक पेय पदार्थ जो पोषक तत्वों से युक्त पेय पदार्थ होते हैं, जैसे फलों का रस है, छाछ है, डिफरेंट शेक्स हैं, और मादक पेय पदार्थ जिनमें अल्कोहल रहता है, जैसे कि शराब, बियर, ताड़ी आदि। यहाँ पे इन्होंने जो रेसिपीज शेयर करी हैं, व्यंजन पहला है चाय, दूसरा कॉफ़ी, तीसरा लिया है फ्रूट पंच, चौथा लिया है नींबू की चाय, फिफ्थ लिया है चीकू शेक। यहाँ पे जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया है, मैंने फिर बोला था उन पांच को रिपीट नहीं करके नया आपको व्यंजन बनाना है, तो इसमें यहाँ पे छाछ बताई गई है। छाछ है, आप यहाँ पे ग्रीन टी लिख सकते हैं, या कैरी की आंच, जो कैरी होती है ना, उसको उबाल करके बनाई जाती है, कैरी की आंच या आमिया का पना, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। कोको, दूसरी जो रेसिपी यहाँ पे बताई गई है वो कोको की शेयर की गई है आपको, कोल्ड कोको। कोल्ड कोको में कॉफ़ी पाउडर वगैरह डाल के, कोको पाउडर डाल के, बहुत सी चीज़ हैं दूध से बनने वाली, हम खीर भी लिख सकते हैं। नाइन्थ नंबर एक्सरसाइज है आपकी, सूप के बारे में बताया गया है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ये सूप भोजन से पूर्व लिया जाता है, जो भोजन को बढ़ाने वाला तरल पदार्थ होता है, और सूप के व्यंजन में इन्होंने पहला सूप लिया है पालक का सूप, दूसरा व्यंजन लिया है टमाटर का सूप, तीसरा रेसिपी है दाल का सूप, फोर्थ है सब्जियों का सूप,
और जो इसके अलावा जो इन्होंने सूट्स यहाँ पर दिए हैं, इनके अलावा जो इसमें एक्सरसाइज अभ्यास कार्य किया गया है उसमें स्वीट कॉर्न सूप के बारे में बताया गया है कि आपको स्वीट कॉर्न सूप कैसे बनाना है। तो यदि आपको स्वीट कॉर्न सूप ये नहीं लिखना है रेसिपी, तो आप अपनी इच्छा से कोई और तरह का सूप जो आप बनाते हैं वो शेयर करें, जिससे कि सभी को और भी नई रेसिपी सीखने को मिले। टमाटर और गाजर का सूप भी बना सकते हैं। मनचाओ सूप दूसरी जो रेसिपी शेयर करी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी सलाद के बारे में है। सलाद जो होता है सभी जानते हैं, सब्जियां, फल, अनाज, दालें, कल, मूंग, इन सभी का सलाद बनता है। पौष्टिक सलाद अंकुरित अनाजों का बनता है। सजावटी सलाद होता है, जैसे कि आजकल ककड़ी की ट्रेन बना करके या सुंदर सुंदर फूल बना करके वो डेकोरेट किया जाता है। इसमें जो व्यंजन के नाम लिखे गए हैं वो सलाद में सबसे पहले अंकुरित मूंग का सलाद बताया गया है, दूसरा फ्रूट सलाद बताया गया है रेसिपी, तीसरा मूंगफली का सलाद की रेसिपी शेयर की गई है। तीन तरह के सलाद इसमें बताए गए हैं और जो अभ्यास कार्य है उसमें आपको कश्मीरी प्याज का सलाद बना करके यहाँ पर रेसिपी लिखी गई है। तो बच्चों, आप कश्मीरी प्याज का सलाद या अपनी तरफ से और कोई सिरके वाला सलाद है उसको भी लिख सकते हैं, है ना। और भी कई प्रकार के सलाद रहते हैं, जैसे कि खीरे और टमाटर का सलाद। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, ये जो हम देख रहे थे यहाँ पर, ये था कश्मीरी प्याज का सलाद। नेक्स्ट इसमें बताया है पनीर का सलाद। नेक्स्ट जो आपका अभ्यास है, अभ्यास 11, डेजर्ट के बारे में बताया गया है। डेजर्ट क्या होता है, जो हम शाम के भोजन के पश्चात मीठा खाया जाता है उसे डेजर्ट कहते हैं। इसमें डेजर्ट में गाजर का हलवा यहाँ पर शेयर किया गया है।
श्रीखंड शेयर किया गया है। संदेश, आम की पुडिंग, इसकी भी रेसिपी शेयर की गई है। फ्रूट कस्टर्ड पुडिंग। अभ्यास कार्य में यहाँ पे गुलाब जामुन के बारे में बताया गया है, रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपको। आप मीठे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। गुलाब जामुन की जगह पर आप रसगुल्ला भी बना सकते हैं, और डेजर्ट में आप आइसक्रीम भी बना सकते हैं घर पर। नेक्स्ट इसमें एप्पल पुडिंग बताई गई है, एप्पल सेब से बनने वाली पुडिंग। नेक्स्ट अभ्यास जो है आपका वो है अभ्यास 12, अल्पाहार यानी स्नैक्स। ठीक है, जो हम बीच में लेते हैं, जैसे कि जब हम लंच करते हैं और डिनर करते हैं उसके बीच में हम छोटा सा एक शाम को नाश्ता लेते हैं अल्पाहार, तो मुख्यतः दिन में दो बार भी लिया जा सकता है ये, सुबह और शाम। तो ये स्नैक्स में हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे कि इसमें बनाया है पनीर कॉर्न बॉल। पहली रेसिपी जो शेयर करी है पनीर कॉर्न बॉल। दूसरा है फ्राइड मिनी इडली। थर्ड है समोसा। फोर्थ है नारियल लड्डू। फिफ्थ है गुलाब जामुन। तो बच्चों नाश्ते में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने फ्रेंच फ्राइज जो है शेयर करी है रेसिपी। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत धुंधला सा दिख रहा है तो आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च करके लिख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। और वैसे भी नाश्ता आप अपने हिसाब से कोई भी नया एक नाश्ता, जैसे कि भेलपूरी है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सूजी के कटलेट, दूसरी रेसिपी जो शेयर करी है वो है सूजी के कटलेट। कुछ भी लिख सकते हैं आप, मटरी लिख सकते हैं, पोहा लिख सकते हैं, आलू चाट लिख सकते हैं, गोलगप्पे की रेसिपी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है आपका अभ्यास 13, खाद्य संरक्षण। तो हम जो ये हर समय जो फल नहीं मिलते हैं ना, या सब्जियां नहीं मिलती, हम उनको संरक्षित करके प्रिजर्व करके रखते हैं, चाहे तो वो किसी अचार के रूप में या जैम के रूप में या सॉस के या मुरब्बे के रूप में, तो वही है खाद्य संरक्षण। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा कि खाद्य संरक्षण का क्या महत्व है। खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाना, लाने ले जाने में आसानी, संग्रहण में आसानी, आसानी उपलब्ध, समय व श्रम की बचत, पैसों की बचत, भोजन में विभिन्नता। तो इसमें खाद्य संरक्षण के तरीके बताए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। पहला व्यंजन जो शेयर किया गया है वो है टमाटर का सॉस। आप सभी अच्छे से जानते हैं टमाटो सॉस के बारे में। दूसरा शेयर किया गया है मिली जुली सब्जियों का सॉस, मिक्स वेजिटेबल सॉस। तीसरा जो शेयर किया गया है वो है सेब का जैम। नेक्स्ट है आम का जैम। और फिफ्थ नंबर पे है मिले जुले फलों का जैम, मिक्स्ड फ्रूट्स जैम।
और एक यहाँ पे बचाया गया है आम का अचार, एक खट्टा मीठा नींबू का अचार, आंवले का अचार, आम का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा यहाँ पे रेसिपी आपको शेयर की गई है। कच्चे आम की चटनी की रेसिपी अभी आपको यहाँ पे शेयर की गई है। एक और ये रेसिपी आपको यहाँ पे चटनी शेयर की गई है। संतरे का स्क्वैश शेयर किया गया है, आम का स्क्वैश बताया गया है, नींबू का स्क्वैश के बारे में बताया गया है। यहाँ पे जो अभ्यास कार्य दिया गया है जिसमें आपको मिर्च का अचार की रेसिपी अलग से बताई गई है, आप कोई भी अचार या मुरब्बा या जैम की रेसिपी यहाँ पर लिख सकते हैं। मिर्च का अचार, ये आपका पूरा प्रैक्टिकल मैनुअल जो फर्स्ट है आपका प्रैक्टिकल आधारी पाकक्रिया का कंप्लीट हो गया। तो आपका जो पहला प्रैक्टिकल है उसका ये जो आपका पहले प्रैक्टिकल की अभ्यास पुस्तिका को मैंने यहाँ पर शेयर किया था आपसे, तो ये आपको सबको जो मंगलपुरा में श्री राम पुस्तक भंडार है वहाँ पे मिल जाएगी।